नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जो असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के लिए जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, आवेदन फॉर्म हम कैसे ऑनलाइन करेंगे, इसमें हमें क्या दस्तावेज लगेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जो सहायक ग्रेड तीन पद के लिए आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, उसके आवेदन फॉर्म भरने के लिए हमें हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल पोर्टल पर आना है। ये वाले पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर आप अपना आवेदन फिल कर सकते हैं। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में दोस्तों, यहाँ पर रिक्रूटमेंट के बाद में डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो जो सहायक ग्रेड तीन भर्ती के लिए जो नियम पुस्तिका है वो यहाँ पर दी गई है। आप इस पर क्लिक कर ये पीडीएफ फाइल आप पहले चेक कर ले, उसके बाद में आपको आवेदन फिल करना है। तो आवेदन फिल करने के लिए अप्लाई फॉर असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जो लिखा हुआ है, इस पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। जैसे ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिखेंगे आवेदन भरने संबंधी। इसके बाद में स्क्रॉल कर नीचे आना है और यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है जानकारी रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो घोषणा पत्र पर क्लिक करना है और प्रोसेस टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें बोला जाएगा मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड। तो जो भी मोबाइल नंबर आपका चालू है, जो इससे आपको आवेदन करना है, मोबाइल नंबर देना है, कैप्चा कोड देना है और जनरेट ओटीपी पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। जैसे आप मोबाइल नंबर दे के जनरेट ओटीपी पर क्लिक करोगे तो जो मोबाइल नंबर आपने दिया था उस पर एक ओटीपी आएगी। जो भी ओटीपी आए आपके मोबाइल पर वो ओटीपी यहाँ पर आपको देनी है और जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो कैप्चा कोड आपको पुनः देना है, जैसा भी दिख रहा है। जैसे आप कैप्चा कोड दोगे उसके बाद में आपको सिंपल से वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन खुलकर आएगा। तो यहाँ पर हमें जो भी जानकारी पूछी जा रही है रजिस्ट्रेशन में, जैसे फर्स्ट नेम, तो जो भी आवेदक का फर्स्ट नेम वो फर्स्ट नेम, उसके बाद में मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद में पिता का नाम देना है तो पिता का नाम, उसके बाद में नेशनलिटी इंडियन ऑटोमेटिक रहेगा, ईमेल आईडी देनी है। यदि आप वेदर डोमेसियल लोकल रेसिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, यदि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है तो यस को सिलेक्ट करें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में कैटेगरी, यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी है तो जिस भी कैटेगरी में आते हो कैटेगरी का चयन करें, अन्यथा आपको यूआर को चयन करना है। उसके बाद में जेंडर का चयन करना है, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है जेंडर का चयन कर ले। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ दे। उसके बाद में यहाँ पर यदि आप गवर्नमेंट सर्विस है तो यस को सिलेक्ट करें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में विकलांग है तो यस को सिलेक्ट करें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर देना है और जो पोस्टल और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो सेम है कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस पर आपको क्लिक करना है तो आपका एड्रेस सेम हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो दे, अन्यथा ऑटोमेटिक यहाँ एन एन आ जाएगा। उसके बाद में आपको सिंपल से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से हमें एजुकेशन डिटेल फिल करनी है। तो जो भी आपकी एजुकेशन है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन वो यहाँ पर आपको जानकारी देनी है और सिंपल से सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर एंड अदर इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो वेदर यू है अंडरग्राउंड एंड सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग फॉर्म द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो यदि है तो यस को सिलेक्ट करें, उसकी जानकारी दे। उसके बाद में यहाँ पर वेदर यू हैव पास्ड एनी टाइपिंग एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर यस को सिलेक्ट करना है। यदि आप नो को सिलेक्ट करोगे तो इसमें आवेदन नहीं कर पाओगे। उसके बाद में आपकी हिंदी टाइपिंग है, इंग्लिश टाइपिंग, यदि आप एमपी के निवासी है तो आप यहाँ पर सीपीसीटी की जानकारी दे सकते हैं। तो जो भी वो जानकारी फिल करनी है और सिंपल से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों पूछा जाएगा हैव यूर एवर बीन अरेस्टेड, यदि आप पर कोई कोर्ट केस वगैरह है तो इसको आपको सिलेक्ट करना है। तो आप ये पढ़ ले, जो भी आप पर लागू है एस नो को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो आप ये अच्छे से पढ़ ले, जो भी आप पर लागू है वो आप सिलेक्ट करें। उसके बाद में दोस्तों आपको सिंपल से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का बोला जाएगा। तो सबसे पहले जो भी आवेदक की फ़ोटो है वो फोटो स्कैन कर अपलोड करना है। उसके बाद में थंब इम्प्रेशन स्कैन कर अपलोड करना है। उसके बाद में सिग्नेचर, उसके बाद में हाई स्कूल सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी ग्रेजुएशन और एनी अदर सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट का नाम दे वो स्कैन कर अपलोड करें और सिंपल से आपको अपलोड पर क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड पर क्लिक करोगे
उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन फिर से खुलकर आएगा, सिंपल सेव सेव एंड कंटिन्यू। जैसे आप अपने दस्तावेज अपलोड कर दोगे तो यहाँ पर आपको चेंज का बोला जाएगा। यदि आपने गलत चेंज अपलोड कर दिया तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। प्रूफ पर प्री देख क्लिक कर कर आप ये दस्तावेज चेक कर ले, और यदि कोई गलत है तो यहाँ पर आपको चेंज पर क्लिक कर कर ये चेंज कर लेना। उसके बाद में यदि सही है तो आपको सिंपल से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका आवेदन आपको एक रिव्यू पेज दिखेगा। यदि इसमें किसी तरह का एडिट करना है तो एडिट पर क्लिक करें। ऊपर जो भी जानकारी आप है वो जानकारी अच्छे से मिलान कर ले। सुरक्षा के लिए हमने सारी जानकारी हाइड कर दी, इसलिए आप अच्छे से मिलान कर ले। अच्छे से मिलान करने के बाद में आप जैसे स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो दो ऑप्शन दिखेंगे, एडिट और फाइनल सबमिट। यदि आपकी जानकारी सही है, आपको फाइनल सबमिट करना है तो आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करें, और इसमें कहीं संशोधन करना है तो एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। यदि आपकी कोई भी जानकारी, यदि आपने जो जानकारी फिल करी वो सब सही है तो आपको सिंपल से फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। स्क्रॉल कर कर हम नीचे आ गए। जैसे हम स्क्रॉल कर कर ऊपर आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो जो आवेदन है इसकी रसीद आप निकाल लें। रसीद निकालने के बाद में ये रसीद जो है दोस्तों आपको सुरक्षित संभाल कर अपने पास रख लेनी, ताकि जब इसकी एग्ज़ाम हो तो ये रसीद के माध्यम से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकें। तो दोस्तों इस तरीके से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जो असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो आवेदन फॉर्म आपको इस तरीके से फिल करना है, और आवेदन फिल करने के बाद में जो भी रिसिप्ट आपको प्राप्त होगी वो सुरक्षित संभाल कर अपने पास रख लेनी है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हम किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।